अस्सलाम वालेकुम मेरे लोग, मैं खुशामदीद। आज हमारी जो मेहमान है वो काफ़ी डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पर काम कर चुकी हैं, न्यूज़ एंकरिंग करती रहती हैं, ARY न्यूज़ में भी उन्होंने न्यूज़ एंकरिंग की है और आजकल बोल न्यूज़ पर एक एंकर पर्सन के तौर पर काम कर रही हैं। तो आइए कुछ बातें करते हैं सुमैया रिजवान से। अस्सलाम वालेकुम सुमैया, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। तो काफ़ी तवील करियर रहा है आपका, आप यू हैव अ लॉट ऑफ ट्रांसमिशंस टू योर नेम, ARY जैसे चैनल में भी आप काम कर चुकी हैं। क्या आपने एकेडमिक्स हासिल की, क्या आपका प्लान था कि आप इस फील्ड में आएंगी या आप एक हादसाती हैं? मैं हादसाती एंकर हूँ और मेरी बड़ी मशहूर कहानी है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था और क्योंकि बहुत अर्ली एज में शादी हो गई थी, तो शादी के बाद ऐसे ही मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे तो मैंने उनसे जिक्र किया कि मुझे ऑफ़र आई थी जब मैं शादी से पहले, यू नो, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें इंटरेस्ट है? मैंने कहा नहीं इंटरेस्ट तो कोई नहीं है। तो कहने लगे कैसे बनते हैं एंकर? मैंने कहा मुझे नहीं पता एंकर कैसे बनते हैं। और हमने बाय द वे PTV कॉल की और वहाँ से मुझे फ़ौरन कॉल आ गई, उन्होंने कहा आप आ जाएँ इसी वक्त, और मैं चली गई। वहाँ मेरा एक ऑडिशन हुआ, उसमें मैं पास हो गई और 3-4 दिन बाद मैं ऑनियर हो गई लाइव। अच्छा, तो पहला चैनल कौन सा था? PTV। और उसके बाद? उसके बाद एक छोटा चैनल था रंग TV, उसमें मैंने कोई 3-4 महीने काम किया, फिर मुझे ARY से ऑफ़र आ गई थी, फिर मैं वहाँ चली गई थी और फिर इस तरह बस सफ़र स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो ARY जैसे प्लेटफॉर्म से बोल TV में जाना, वैसे बोल TV भी एक बड़ा इदारा है लेकिन ARY एक जाइंट है इस फील्ड का, तो आपको ये डिसीजन कभी ये लगा कि बहुत अच्छा डिसीजन था या इसके बारे में रिग्रेट फील? नहीं, एक्चुअली ज़िंदगी में ना कभी कभी कोई ऐसा वक्त ज़रूर आता है कि आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको कुछ ऐसे बोल्ड डिसीजंस करने पड़ते हैं, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने बहुत काम किया और ARY में मैंने बहुत तवील अरसे काम किया, तो और हर तरह का काम किया, एंटरटेनमेंट में भी काम किया, न्यूज़ भी किया, बिज़नेस शोज़ भी किए, स्पोर्ट्स शो भी किए, तो कोई रिग्रेट नहीं रहा। और जब बोल गई तो उसका एक चार्म ये था कि मुझे प्रोग्राम करना था और वो आपको पता है हर न्यूज़ एंकर का एक ख्वाब होता है कि उसको एक दिन प्रोग्राम एंकर बनना है, तो वो बस अच्छा लगा और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी तो मैं स्विच कर गई। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 3 साल हो गए, मुझे शो करते हुए यहाँ पर 2.5 साल हो गए, तो बहुत अच्छा फीडबैक और कभी रिग्रेट नहीं हुआ। मिस ज़रूर करती हूँ लेकिन रिग्रेट कभी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, प्रोग्राम एंकर्स के साथ तो ऐसा भी होता है क्योंकि आप लोग बहुत सियासी शोज़ करते हैं तो धमकियाँ उमकियाँ भी आ जाती हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि गाड़ी चलाते हुए आपको कोई कॉल आ गई हो और कोई कह रहा हो कि बहुत तेज़ चला रही हैं थोड़ा आहिस्ता चला रहे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि मैसेज आया थोड़ा अल्काज रखा करें और आप बहुत ज़्यादा टारगेट कर रही होती हैं, थोड़ा मौका दिया करें, या बहुत सख्त सवाल किया आज आपने, इस तरह की आ जाती हैं चीज़ें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कभी नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, सबसे मोतबर, सबसे फ्रेंडली पॉलिटिशियंस में आज तक जो आपके पास गेस्ट आए हैं वो कौन है, जो आपको लगता है कि जिनसे कोई सवाल किया जाए तो लेफ्ट राइट करने के बजाय वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे? अच्छा, ऑनेस्टली ऐसा तो कोई नहीं होता, आपको ही पता है, लेफ़्ट राइट ही किया जाता है, घुमाया जाता है हमारे सवालों को, लेकिन मेरी आदत है मैं बार बार एक ही सवाल करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ निकल आए, तो ऐसा तो कोई भी नहीं है। अगर मैं कोई एक नाम लूँगी तो ये ज़्यादती भी हो जाएगी, सभी बहुत कोऑपरेटिव हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, PTI के हों, नून लीग के हों, लेकिन कुछ गेस्ट बहुत टेढ़े होते हैं और उनसे चीज़ें निकलवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कोऑपरेटिव नहीं होता कोई भी। इस फील्ड में किसी को अपना उस्ताद मानती हैं? बिल्कुल, उस्ताद बहुत सारे हैं मेरे जिन्होंने मुझे सिखाया और स्टिल मैं सीखती हूँ। खालिद फरशोरी साहब के साथ करियर स्टार्ट हुआ ARY में ही थी, उन्होंने मुझे लिखना सिखाया, उन्होंने मुझे ये बताया कि किस तरीके से कंटेंट को अट्रैक्टिव बनाते हैं, किस तरह खबर बनाते हैं, किस तरह खबर को लिखते हैं, फिर उस लिखी हुई खबर को कैसे पढ़ते हैं, तो फरशोरी साहब को मैं हमेशा अपना उस्ताद मानती हूँ। फिर उवैस तौहीद साहब बहुत टफ़ माहौल में काम करवाते हैं लेकिन बहुत ज़बरदस्त, कहना चाहिए कि उनके उस्तादी में मैंने बहुत कुछ सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिश हुए उनके साथ काम करते हुए। वैसे तो पहले भी आपके कई इंटरव्यू शाया भी हुए हैं और वीडियो फॉर्म में भी आए हैं, मगर फिर भी अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से कुछ बताना चाहें तो फैमिली के बारे में बताइए, फैमिली में कौन कौन है आपकी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ, मेरे 4 बेटे हैं माशाल्लाह, और मैं, मेरे हस्बैंड हैं और हमारे 4 बच्चे हैं। वैसे तो आपने बताया कि आपने इब्तदा ही फैमिली के सपोर्ट से और शौहर के सपोर्ट से की, लेकिन कभी ऐसा हुआ लेटर ऑन इन योर करियर के फैमिली की तरफ से प्रेशर आया हो कि नहीं फैमिली निगलेक्ट हो रही है और रहने दो, छोड़ दो म्यूज़ एंकरिंग? नहीं, रिजवान ने कभी नहीं बोला,
बल्कि कई दफ़ा ऐसा होता था कि मैं बहुत स्ट्रेस में आ जाती थी, कभी हर्ट हो जाती थी कि मुझे नहीं करना काम, तो रिजवान मुझे अभी तक हौसला देते हैं कि नहीं यार चलो करो काम, कुछ नहीं होता। अब तो खैर, अब तो माशाल्लाह अब तो पूरा फैमिली यूज्ड टू हो गई है हर तरह के हालात की, हैपनिंग्स की, जिस तरह हम लोगों ने काम किया है। तो अब कुछ मसला होता नहीं, शुरू शुरू में होता भी था तो रिजवान हमेशा सपोर्टिव रहे और फैमिली पूरी, बच्चे भी, बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया। बच्चे कैसा फील करते हैं जब वो स्कूल जाते हैं तो बताते होंगे कि मेरी मदर एक प्रोफेशनल न्यूज़ एंकर है? घर की मुर्गी दाल बराबर है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको कुछ भी फील नहीं होता। उनके फ्रेंड्स वगैरह उनको कभी कभी फील कराते हैं तुम्हारी अम्मा एंकर हैं, हमने उनको देखा था, तुम उनके बेटे हो, कहते हैं हाँ तो क्या हुआ। मतलब ये वाला हाल है, कोई वो नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि लड़कियों के लिए बैंक्स क्या, स्कूल क्या, मीडिया इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही टफ है काम करने के लिए, तो क्या वाकई ऐसा है कि मीडिया इंडस्ट्री लड़कियों के लिए एक बहुत टफ स्पॉट है? ऐसा है कि मैं इस सवाल का जवाब पहले भी एक इंटरव्यू में दे चुकी हूँ, ऐसे टफ नहीं है, माहौल इंसान खुद बनाता है। कहीं ना कहीं अच्छे बुरे लोग तो होते ही हैं, जैसे आपको पता है हर फील्ड में होते हैं, कैसे टैकल करना है, कैसे लेके चलना है चीज़ों को, ये बाय टाइम आप सीखते हैं। तो मैंने भी सीखा, और हाँ ये ज़रूर होता है कि डिस्क्रिमिनेशन कभी कभी आ जाती है कि आप एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं तो कभी कभी आपको ऐसा फील होने लगता है कि ये तो खातून है तो इनका तो इतना ही दिमाग है, ये इतना ही सोचेंगी, इनका एक्सपोजर इतना वाइड नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग भी होते हैं जो आपकी कदर करते हैं, जो आप के टैलेंट को समझते हैं, तो कहीं मुश्किल भी होती है, कहीं आसानी भी होती है, लेकिन वही टाइम वही बात कि बाय टाइम बंदा सीखता है और चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। आप माशाल्लाह से खुद भी प्रोग्राम कर रही हैं तो इस फील्ड में एक दो नाम तो ज़रूर होंगे जिनके बारे में आप सोचती होंगी कि ये लोग क्यों हैं आखिर इस फील्ड में, तो ऐसा कोई है? बहुत मुश्किल सा। मैं क्यों बोलूं कि वो क्यों हैं ऐसे? अच्छा चलें, आपके कॉलीग्स में ऐसा आपको लगता हो जिनके बारे में कि ये बेहतरीन प्रोग्राम एंकर या न्यूज़ एंकर हैं, मेल और फीमेल अलग अलग, उनके बारे में? बेहतरीन मेल एंकर अगर मैं कहूँ तो मुझे शाज़ेब और अमीर अब्बास, ये दोनों मेल एंकर्स मुझे बहुत पसंद हैं और इन दोनों के शोज़ मैं देखती हूँ लिटरली, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं बैठ के देखती हूँ, बहुत अच्छे शोज़ करते हैं। फीमेल एंकर में आयशा बख्श हमेशा मेरी फेवरेट रही, उनको ये बात पता है, हमने ARY में कुछ अरसे काम भी किया, साथ तो नहीं किया क्योंकि वो दुबई में होती थी और मैं कराची में, लेकिन मेरी फेवरेट रही प्रोग्राम एंकर, एज इन मैं उनको नहीं देख पाती लेकिन आई होप कि वो बहुत अच्छा प्रोग्राम करती होंगी। अच्छा सुमैया, आपका ताल्लुक किस शहर से? कराची। कभी किसी फिल्म या ड्रामा की ऑफर आई है? ड्रामा की आई थी क्योंकि मैंने कमर्शियल्स किए हैं और मैं सिट्रस की क्योंकि मॉडल रह चुकी हूँ, तो एक वक्त ऐसा आया था कि कमर्शियल्स बहुत सारे किए एक साथ किए तो ऑफर आई थी, लेकिन मैं नहीं कर सकती, एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है। हर इंडस्ट्री का एक बूम आता है, मीडिया इंडस्ट्री का बूम लोग कहते हैं कि आ चुका है और अब अगले साल दो साल में ये डिक्लाइन की तरफ जाएगी, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि यही मामला है? जी हाँ ऐसे ही है, क्योंकि अब आप ये देखें कि हर चीज़ आपके मोबाइल में है, लोग टीवी नहीं देखते, लोग अगर न्यूज़ चैनल भी देखते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन में पढ़ते हैं, तो जो चीज़ है वो अब सोशल मीडिया की हद तक हो गई है, लोग अपने यूट्यूब चैनल, जैसे मैं अभी आपके यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दे रही हूँ, लोग ये ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो एक वक्त आया था कि आपका जो प्रिंट मीडिया था वो डिक्लाइन किया था, फिर अब जाहिर है आपका ये मीडिया अब डिक्लाइन पे जा रहा है, आई होप कि ऐसा ना हो, लेकिन वक्त होता है हर चीज़ का और अभी वक्त है ये मोबाइल का और आपके गैजेट्स का जिसमें लोग देखना पसंद करते हैं, इतना टाइम नहीं है किसी के पास, तो अपने मोबाइल में हर चीज़ लोग देखते हैं, तो ये अब चीज़ें तब्दील हो रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, प्रोफेशन से हट के कोई हॉबीज़ हैं आपकी, सिंगिंग, कोई आर्ट फॉर्म आप जो परस्यू करती हूँ? हॉबी के लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये कि जब भी मुझे मौका मिलता है तो मेरा जो एक फेवरेट काम है वो ये है कि मैं डिज़ाइनिंग करूँ, मुझे कपड़े डिज़ाइन करने का बहुत शौक है, तो मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सुमैया मेरे लोग को अपना वक्त देने। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमैया रिजवान, यकीनन ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।